नमस्कार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एमएचए रिप्रेजेंटेटिव से कि आपको आज ब्रीफ करें। गृह मंत्रालय की तरफ से आपको अपडेट देना चाहती हूँ। राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन को लागू करने में जुटी हुई हैं। बैंकों और बाजारों में सतर्कता की अधिक आवश्यकता है, जिसके लिए वे सतत प्रयासरत हैं। गृह मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2020 को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा लघु वन उत्पाद एवं गैर काष्ठ वन उत्पाद के एकत्रीकरण, कटाई एवं प्रसंस्करण को लॉकडाउन से छूट दी है। इसके अलावा बांस, नारियल, सुपारी, कोको एवं मसालों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के अंतर्गत जल आपूर्ति, बिजली एवं दूर संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति नियंत्रण में है। इसमें भारतीय डाक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कल हमने संक्षेप में भारतीय डाक द्वारा कोविड-19 के दौरान दिए गए योगदान की चर्चा की थी। आज थोड़ी विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगी। भारतीय डाक ने मालवाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है, जैसे दवाइयाँ, कोविड परीक्षण किट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने 100 टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों एवं अन्य ग्राहकों तक पहुँचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने विशेष व्यवस्था करके अंतर्राज्य और राज्यांतरिक डाक पहुंचाई है। डाक विभाग प्रयासरत है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुगतान तथा सरकार के अन्य सामाजिक लाभ उनके द्वार तक पहुंचाएं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 2 लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बैंक से संबंधित राशि का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लाभार्थियों को उनके द्वार तक मुहैया कराई गई है। भारतीय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य पदार्थ और राशन का वितरण किया है। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं, जो आधारभूत डाक और वित्तीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राहत मिले। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब तक 1,749 पीपल क्योर हो चुके हैं, और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट वन डे के अंदर 1,007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है, और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा।
मैं ये आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि डबलिंग रेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेज जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस हर डेथ एक चिंता का विषय है और उसी समय में, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी COVID-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस वैक्सीन्स ड्रग्स हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निमटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया। हमारे को यह लड़ाई हर फ्रंटियर पर लड़नी है और फील्ड पर लड़ाई लड़ते हुए एक हमारा फ्रंटियर है साइंस एंड टेक जिसके द्वारा हमें इस लड़ाई को आखिर में जीतना पड़ेगा। उसी के तहत काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वहाँ पर कंटिन्यूड इस विषय में एफर्ट्स चल रहे हैं जिसके तहत ही इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अपनी 30 लैब्स का योगदान दिया है। हमारे एफर्ट्स प्राइमरीली फोकस्ड हैं न्यू रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक किट्स बनाने में जो कि अपना रिजल्ट 30 मिनट में दे सकें, साथ ही इनोवेटिव पूलिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में ताकि हम लिमिटेड टेस्ट होते हुए भी अगर उसको और एक्सपैंड करना चाहें लार्जर नंबर ऑफ पीपल कवर करना चाहें उसके लिए काम कर सकें। इसके साथ ही इंडिजिनस सिंथेसिस जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए उसको हम कैसे बढ़ाएं उस पर एफर्ट्स हो रहे हैं। साथ ही वायरल सीक्वेंसिंग जिसके द्वारा हम एपिडेमियोलॉजी और पोटेंशियली इंपॉर्टेंट म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर सकें उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में इनएक्टिवेटेड वायरस एंटीबॉडीज टू मेजर एंटीजेंस मोनोक्लोनल्स और RNA बेस्ड वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है। भारत ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की जाएं और हम जल्द से जल्द उसको पब्लिक को मुहैया करा सकें। यह एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है लेकिन हमारे सारे एक्शंस इस पर फोकस हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। इसी के तहत रिकॉम्बिनेंट BCG और माइकोबैक्टीरियम इंडिका स्ट्रेन जैसे इम्यून बूस्टिंग डिवाइसेस पर भी काम हो रहा है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी पर भी कुछ साइट्स पर काम चल रहा है। DBT ने इसके साथ ही लार्ज स्केल एफर्ट्स लिए हैं कि कैसे ह्यूमन मोनोक्लोबल एंटीबॉडीज फॉर COVID-19 पर काम करें। इसके साथ ही एक और विषय बहुत मुख्य है वह है कि हम इफेक्टिव ड्रग्स पर भी कुछ काम करें। हमारे सामने वर्तमान में कई पोटेंशियल ड्रग्स हैं जिसमें से कोई भी अभी फुली प्रूवन नहीं है और उनमें से कोई भी अगर इंडिया में नहीं बनती है तो उस पर भी हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसी समय में जब ये अनसर्टेनिटी है तो
तो हमारा एफर्ट है कि इंडिया इस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स मल्टी प्रोसेस में काम करे। एक मल्टी प्रॉन्ग रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भारत की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉलिडी ट्रायल में एक पार्टिसिपेंट है, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट ड्रग थेरेपीज़ की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन कर रहे हैं। साइंटिफिक टास्क फोर्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स को रीएवेल्युएट कर रही हैं, ताकि उनको ज़रूरत पड़े तो कोविड-19 के लिए रीपर्पज़ किया जा सके। एंटीवायरल ड्रग्स ने जो कुछ स्टडीज़ में अब्रॉड में हमें इनिशियल प्रॉमिस दिखाया है, CSIR की लैब के द्वारा इन ड्रग्स पर भी काम चल रहा है, जिसमें कि मुख्यतः उमीफेनोफिर और फेविपिरविर ड्रग जो हैं उनके इंडिजिनस सिंथेसिस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक मेजर एफर्ट है कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारे अप्रूवल सिस्टम्स हैं बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको भी त्वर गति से करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी हमारी रिसर्च हो उसको पब्लिक तक ले जा सकें। इसके साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और ऐसी एंसिलेटरी सपोर्ट डिवाइसेस पर भी CSIR की इंजीनियरिंग लैब्स, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिजिनस डिजाइंस बनाए जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को आंध्र मेडटेक जोन में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है। RT-PCR किट्स का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स पर काम हो रहा है, और हम उस स्थिति में होंगे कि इंडिजिनसली इसमें 10 लाख किट पर मंथ मई में बनाई जा सकें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं, और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हों, थेरेप्यूटिक्स हों या वैक्सीन्स हों, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने स्टेट्स को कुछ फोरकास्टिंग टूल्स भी शेयर किए हैं, जिसके द्वारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, उसकी वह एनालिसिस करके पा सकते हैं कि वह सफिशिएंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनको किस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड केस लोड। इसी तरीके से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स देश में दिन प्रतिदिन इस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1919 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। टोटल ऑफ अगर उसमें देखें तो 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 ICU बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि हर तरीके से एफर्ट चल रहा है कि अगर केसेज आएँ देश हर तरीके से उससे निमटने के लिए तैयार रहे। इसी के तहत हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एफर्ट चल रहे हैं। इन जब चारों तरफ देश में एफर्ट चल रहे हैं तो उस समय में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई पॉजिटिव एफर्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे कि आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे अहमदाबाद में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद का सिविल अस्पताल। कोविड-19 की महामारी के बीच अहमदाबाद का ये सिविल अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अपनी उन्नत सुविधाएं और तकनीकी विशेषताओं के साथ इसे सिर्फ 5 दिनों में ही कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। तो सब परिस्थितियों में जो इक्विपमेंट्स है, दवाइयों का जत्था है, रिक्वायरमेंट जो कंज्यूमेबल्स की है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए जो प्रोटेक्शन की सुविधा है, जिसमें सिंपल मास्क, N95 मास्क और PPE किट जो होती है, वो सब की सुविधा हमने मुहैया करा के रखी है। 1200 बिस्तरों और 228 वेंटिलेटर बेड की सुविधाओं के साथ हर तरह के कोविड मरीजों को हर संभव सहायता ये अस्पताल उपलब्ध करा रहा है। जब मरीज आएगा तो उनको पहले OPD में स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर उनका टेस्टिंग होगा, उनका एक्सरे, सोनोग्राफी, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हो जाएगा, और जो सस्पेक्टेड केसेस है उनको हम भर्ती कर सकते हैं, और जो सस्पेक्टेड केस नहीं है उनको हम वहीं से दवाई देके घर भेज सकते हैं। अगर कोई मरीज
सीरियस कंडीशन में या क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो उसके लिए हमने ओपीडी के पास ही एक ट्रायज एरिया बना के रखा है, जिसमें कि वेंटिलेटर और मल्टीपारा मॉनिटर और इन्फ्यूजन पम्प वगैरह सब सुविधा हमने तैयार की है। ओपीडी से आईसीयू तक संदिग्ध मरीजों से लेकर गंभीर मरीजों तक हर स्तर पर यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं लोगों को कोविड से लड़ने को लेकर हौसला दे रही हैं। कोविड पॉजिटिव मरीज अगर बच्चा है तो यहां पेडियाट्रिक वार्ड भी उपलब्ध है। अगर कोई बुजुर्ग है या किसी को गुर्दे की समस्या है तो डायलिसिस की सुविधा भी इसी कोविड अस्पताल में मौजूद है। पेशेंट की कंडीशन, जैसे कि वो स्टेबल पेशेंट है या क्रिटिकल पेशेंट है उस हिसाब से, और दूसरी बात कि उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई हाई रिस्क बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी है, तो उस तरह से उनको अलग प्रकार की सुविधा और ट्रीटमेंट सबकी जरूरत होती है, उसके हिसाब से रखते हैं। समय के साथ जैसे ही नए नए मामले आ रहे हैं, सारे मेडिकल स्टाफ जरूरत के मुताबिक ड्यूटी के बाद अस्पताल में ही रह रहे हैं ताकि वो हर समय अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। जो स्टाफ काम करेगा, डॉक्टर से लेके हाउसकीपिंग तक, वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, फिर 16 घंटे वो आराम करेगा। उनके आराम करने के लिए और रहने के लिए हमने हॉस्पिटल में ही जो अलग अलग ब्लॉक्स है उनमें आइसोलेशन करके हमने उनके रहने की और खाने की सुविधा मुहैया कराई है। कोविड की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मेडिकल स्टाफ खुद के बचाव के लिए भी सारी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। इस अस्पताल के अलावा गुजरात सरकार राज्य के सभी शहरों में बने इसी तरह के कोविड अस्पताल के जरिए न सिर्फ कोविड 19 संक्रमण का परीक्षण कर रही है बल्कि गुजरात में इस महामारी पर लगाम भी लगा रही है। हमारे बाकी भी जो लोकेशंस पैमाने में 10 से भी ज्यादा केसेस मिल रहे थे, जैसे कि विभावनगर, सूरत, राजकोट एंड गांधीनगर एज वेल एंड वडोदरा, तो इस वजह से उसमें भी हमने बहुत अग्रेसिव टेस्टिंग करने का एक निर्णय लिया। राजकोट, सूरत और वडोदरा शहरों में भी 250 बेड के कोविड अस्पताल और गुजरात के बाकी सभी जिलों में बने 100 बेड के कोविड अस्पताल भी पूरे राज्य के कोविड की चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आज जरूरत है कि हम अपना फोकस कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज पर फील्ड में बनाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को एक बिहेवियरल प्रोसेस के रूप में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। हम फोकस करें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स पर, हैंड हाइजीन पर, एनवायरमेंटल हाइजीन पर। हमें सबको मिलकर किसी भी तरीके से इस बीमारी से लड़ना है, जीतना है। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ICMR, प्लीज। कल तक हमने 319,400 पेशेंट्स की टेस्ट की है। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए, उनमें के 23,932 जो टेस्ट थे वो ICMR नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार। लव जी, जैसा आपने दिखाया कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ओपीडी सेवाएं ठप पड़ी हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जनरल फिजिशियंस भी मोहल्लों में नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर किट नहीं है। तो जो जनरल, जो सामान्य रोगी हैं, उनको इन दिनों बहुत परेशानियाँ होनी शुरू हुई हैं। सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? देखिए, दो प्रोसेस हैं। एक तो हमने इससे पहले बताया है कि इन्फेक्शन रिलीज से डील कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बीमारी हो तो हमें हॉस्पिटल ना जाएं, हम ऑनलाइन पद्धति का इस्तेमाल करके टेलीमेडिसिन के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू वो पर्टिकुलर सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कोई इलेक्टिव सर्जरीज हैं, अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड किया जाए। इसके साथ ही इसके अलावा जो नॉन इलेक्टिव सर्जरीज हैं या जो नॉन इलेक्टिव इंटरवेंशन मेडिकल लेवल पर है, तो कल मैंने आपको बताया था हमने एक बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है कि जो हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के अलावा जितने बाकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये सर्विसेज, चाहे टीबी पेशेंट हो, चाहे HIV पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस के पेशेंट हो, चाहे मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे हेपेटाइटिस के पेशेंट हो, कोई हमारे कार्डियक केसेज हो, उन सबको उन हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रोवाइड की जाएँ।
हमारा मेजर एफर्ट है कि किसी भी तरीके से कम इन्फेक्शन फैले। ऑनलाइन क्वेश्चन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग पूलिंग टेस्ट, आर दे अलाउड एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस पूल टेस्ट आर अलाउड? ये जो कल हमने बोला पूल टेस्ट के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन इशू की, जहाँ भी ये सर्वेलेंस के लिए हमने ज़्यादातर बोला था, जहाँ भी सीरो पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है वहाँ 5 सैंपल्स इकट्ठा करके उनकी टेस्ट की जा सकती है। तो हमको कम टेस्ट करके हमको ये पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन जो है कैसे बढ़ रहा है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं इसमें इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ भी कोई मरीज़ आते हैं, 5 मरीज़ एक साथ आए हैं तो 5 लोगों का टेस्ट, उनका सैंपल मिक्स करके 5 लोगों की टेस्ट की जा रही है। वो टेस्ट जब पॉजिटिव आती है, अगर समझ लीजिए वो पॉजिटिव आई, तो वो पॉजिटिव टेस्ट के हर सैंपल की फिर एक बार टेस्ट करना पड़ता है, और अगर समझो वो टेस्ट निगेटिव आई तो 5 की 5 निगेटिव करके हमको बोलना पड़ता है। अब इसमें सिर्फ ये इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए हमने इसलिए नहीं बोला था कि इंडिविजुअल डायग्नोसिस अगर पूलिंग करके करें तो उसके कीमत जो चार्ज की जा रही है उस पे असर पड़ेगा। समझ लीजिए 5 की टेस्ट की तो अब सबको मैं उतना ही कॉस्ट नहीं दे सकता हूँ, उसके बारे में शायद प्राइवेट हॉस्पिटल सोचे। वंतिका घोष, इंडियन एक्सप्रेस। सो यू जस्ट शोड अस द अहमदाबाद कोविड हॉस्पिटल, अर्लियर यू हैड शोन अस द आगरा मॉडल। We are hearing a lot about how Kerala has not just flattened the curve, but it's actually bent it. Can you tell us what Kerala is doing right? Ma'am, actually, the major effort, if you not only Kerala, across the country, and when I'm showing you some success stories of some parts of the country, I'm sure Kerala is also one of them. And I had actually planned out, I was discussing that maybe over a period of time, we show you Kerala also. So what Kerala has primarily also focused is, as part of our containment strategies, how to actually delineate the area, how to do effective contact tracing, ensure proper quarantine processes put in place, clinical management of all the cases, and in turn, this is what is actually leading to a good success at the field level. So it is important for us, through you, what we are trying to actually request is that a lot of efforts are being done at field level across the states, across the country, and through those efforts, we also want to motivate others across the country so that collectively we can take this battle. Another online question. Does anyone know if people brought dead from respiratory illness are being tested for COVID? Sir, jaise bhi koi ek patient agar respiratory illness ka hospital mein aata hai, to as part of our SARI and ILI, hamara protocol kehta hai ki agar hame lagta hai, to hum uska immediately test lete hain. I think तो टू दैट एक्सटेंट हम टेस्टिंग करते हैं और उसके रिक्वायर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर एक्शन होता है। कोविड अगर पॉजिटिव होता है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। मिस्टर साहिल, ANI। सो गुड आफ्टरनून, आई एम साहिल पांडे फ्रॉम ANI। माय क्वेश्चन इज फॉर ICMR। सर, अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर हैज फाउंड म्यूटेशन ऑफ कोविड वायरस, दैट इज 3 वायरसेस with different sequencing. So what is your take on it? And if it's happening, do you think it can impact the drug trial and vaccine development? And second is for Love, sir. Sir, you spoke about the BCG vaccine. So how is it being used for the healthcare worker or those who are positive? So sir, I think since it is more technical, I would request my colleague from ICMR to explain both the questions to you, please. दूसरा फिर एक बार बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं सर का नाम लिया तो मैं सुनना बंद कर दिया। ये ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। अभी जो पहला जो सवाल था आपका कि गुजरात बायोटेक या वॉट एवर नेम यू टूक, उन्होंने सीक्वेंसिंग किया है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग ये पहला जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है, ये काफ़ी जीनोम सीक्वेंसिंग हुए हैं ये वायरस के। एक बार शायद मैंने पहले किसी सवाल का जवाब देते वक्त आपको बताया था
हमारे देश में आपको मालूम है ये विषाणु जो है अलग अलग देश में रहने वाले लोग अलग अलग विषाणु लेके आने का चांस होगा। जैसे चाइना से पहले आए तो हमारे यहाँ जो विषाणु आए वो वुहान के नज़दीक वाले थे, यानी उनका अगर सीक्वेंस देखा तो वो वुहान में जैसे सीक्वेंसेस आते हैं उनमें का दिखाई दे रहा था। उसके बाद में हमारे यहाँ इटली से आए, उसके बाद ईरान से आए थे, ईरान वाले जो सीक्वेंसेस थे उसमें भी थोड़ा चाइनीज सीक्वेंसेस जो चाइना के जहाँ सीक्वेंसेस दिख रहे थे उनकी एक किस्म की झांकी ऐसे बोलिए उसमें ज़्यादा पाई जा रही थी। इटली वाले जो आए वो पूरा यूरोप और यूएस ये सारे लोगों के थोड़े थोड़े वायरसेस हमको दिखाई दिए। इसका मुख्य कारण यूरोप में एक तो ट्रैवलिंग ज़्यादा है और वो आपस अपने अपने आजू बाजू के देशों में भी बगैर वीसा के जा सकते हैं, तो जहाँ जो भी विषाणु रिपोर्ट हुआ है वहाँ से भी विषाणु वो लेके आए वाले हमारे यहाँ दिखे। अब इसका मायना क्या हुआ, अपने देश में अलग अलग पोर्ट जाति के विषाणु अभी भी है। अब सही सवाल क्या खड़ा होता है, मेरे यहाँ की प्रीडोमिनेंट क्वासी स्पीसीज कौन सी होगी, ये तो कुछ टाइम के बाद में पता चलेगा कि ये हमारे यहाँ प्रीडोमिनेंट स्पीसीज कौन सी हो रही है, और वो क्वासी स्पीसीज जो तैयार हो जाएगी जो ज़्यादातर लोगों में हमें पाई जाएगी उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, दवा के ऊपर असर पड़ेगा क्या, दवा के ऊपर असर पड़ना गलत होगा कहना, क्योंकि ये विषाणु जब पैदा करता है बच्चे तो वही एंजाइम्स इस्तेमाल करता है वो, या मैं टाइप ए का रहूं या टाइप बी का रहूं या टाइप सी का रहूं, तो दवा अगर निकलती है दवा के असर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी सब टाइप आई तो। लेकिन दूसरी जो होती है जो वैक्सीन जब तैयार करते हैं, वैक्सीन अगर म्यूटेशंस ज़्यादा हुए कोई क्रिटिकल एरिया में तो वो वैक्सीन के ऊपर असर कर सकते हैं, वैक्सीन मुझे अलग ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन क्या ये होना हमको अभी ऐसे लगता है कि ये सहजता से हो जाएगा, सहजता से नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने भी अभी हमारे यहाँ आके हुए भी होंगे तो भी ये वायरस बहुत ज़्यादा जल्दी म्यूटेट नहीं होता, यानी अपने जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसके कपड़े वो जल्दी बदलता नहीं, उसकी चमड़ी जल्दी बदलेगी नहीं, तो वो अगर होता नहीं है तो जो भी वैक्सीन निकलेगी अभी तक के आधार पे हम ये कह सकते हैं शायद वो वैक्सीन आगे के विषाणु के खिलाफ भी काम करेगी। सर दूसरा प्रश्न भी था सर, दूसरा पार्ट बीसीजी के ऊपर था, बीसीजी वैक्सीन के ऊपर लव सर ने बोला था, तो कैसे ये यूज़ करा जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स या जो पॉजिटिव है कोरोना पॉजिटिव है उनके ऊपर? मेरा शायद रिस्पांस मेरा इंडिविजुअल करके ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता अभी तक ऑफिशियल पोजीशन लेने के उतना एविडेंस या सबूत हमारे पास है। बीसीजी वैक्सीन जो है, अब कुछ चीज़ें बोलता हूँ बोलने की कोशिश करता हूँ, बीसीजी जो वैक्सीन है मैं जब पैदा होगा उसी वक्त मुझे दी जाती है। आपने अगर देखा बीसीजी वैक्सीन ये इससे मुझे टीबी होने का जो खतरा है उससे भी वो रोक नहीं सकती, मुझे सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी वो होता नहीं, जो मेरे ब्रेन को जब टीबी होता है जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं ना, टीबी मेनिंजाइटिस होता नहीं, उससे थोड़ा कम होने का चांस होता है, इसलिए उसको पार्शियल प्रोटेक्शन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे समझो आज मैंने वो वैक्सीन ली, मेरी ज़िंदगी का अगर मैंने देखा तो मुझे टीबी से टीबी का नए जंतु से मेरे अंदर बीमारी होने का चांस भी वो रोक नहीं सकती। अब इसका मायना क्या पकड़ सकते हैं कि बीसीजी इसमें फ़ायदेशीर रहेगी? फ़ायदा बीसीजी का एक होता है, कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें ऐसे बोलते हैं कि जो मैलिग्नेंसी के कैंसर के केसेस होते हैं उनमें अगर हमने दिया तो हमारी प्रतिकार शक्ति के ऊपर वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर करके काम करता है, प्रतिकार शक्ति को थोड़ा सुधारने की कोशिश करता है, जिससे जो नेचुरल किलर सेल्स करके बोलते हैं वो किलर सेल्स अच्छे ढंग से वो कैंसर के सेल को मार सके करके। लेकिन क्या ये मुझे इसमें दिखाई देगा? इसमें दिखाई देने का चांस मुझे कम लगता है,
उसका कारण एक ही है कि ये जो BCG वैक्सीन है इसकी इसका प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक रहता है ऐसे दिखता है। अब अगर हमने अगर देखा कि कुछ स्टडीज़ ऐसे भी आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि अगर वैक्सीन देना है, रीवैक्सीनेशन अगर करना है तो वो एडोलेसेंस में करिए, ऐसा वो स्टडीज से समझ आता है। इसका मायना क्या है, मैं तो मेरी उम्र 70 साल की है समझो, और मैं कोविड का पेशेंट हूँ, मुझे जो BCG दिया है वो BCG की वजह से मुझे प्रोटेक्शन होना मुश्किल है। तो लोगों का कहना है क्या मैं BCG रिपीट देके वो इसको प्रोटेक्ट कर पाऊँ किसी को जिसकी उम्र अब 15 साल के ऊपर हो गई होगी, उसके लिए अभी तक इतना सबूत मिला नहीं है। ICMR एक स्टडी प्लान करी वाली है जो शायद अगले हफ्ते भर में शुरू हो जाएगी, जिससे हमको जल्दी से जल्दी उसका एक अंदाज आना हो जाएगा। जब तक वो अंदाज नहीं आता है तब तक हम BCG वैक्सीन इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में देना चाहिए ये हम बोलेंगे नहीं जब तक उतना सबूत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, मधुरेंद्र फ्रॉम न्यूज़ नेशन। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से, मेरा सवाल लव अग्रवाल जी से है कि चाइना से काफ़ी कंसाइनमेंट आ रहा है, टेस्ट किट भी आए हैं करीब करीब 6.5 लाख टेस्ट किट, लेकिन हमने देखा कि कई सवाल उठे कि जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना के वो टू द मार्क नहीं है, खासतौर पे PPE को लेकर भी सवाल आया कि 50,000 PPE किट थे जो कि DRDO ने टेस्ट किया वो अप टू द मार्क नहीं है। तो क्या हमारे पास किस तरह से हम उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता के सवाल को संबोधित कर रहे हैं, ये आपसे सवाल है। ICMR से मेरा सवाल है कि सर, आप जैसा कि आप बता रहे थे तो कितने तरह के स्ट्रेन पाए गए हैं अभी तक इंडिया में, अगर हम बात कोरोना वायरस को लेकर करें, और क्या किसी तरह की म्यूटेशन की भी फाइंडिंग है, म्यूटेशन के बारे में बता रहे थे उसको लेकर भी रिसर्च कर रहे हैं हम, क्या म्यूटेशंस को लेकर जो इनिशियल फाइंडिंग है उसके बारे में बताएंगे। यही आपको वो बोला था, 3 अलग अलग किस्म के विषाणु हैं, वो विषाणु अपने देश में भी पाए जाते हैं, उनमें म्यूटेशन इतने फास्ट नहीं हो रहा है इसका पता चला है, उसको तो देखते रहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ दिखी तो उस हिसाब से साइंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर, एनी प्रोडक्ट चाहे हम किसी भी वेंडर से लें, कहीं से भी लें, उस सब के डिफाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, तो अगर उन पैरामीटर में वो प्रोडक्ट खरा नहीं उतरेगा तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत आप ये समझ के चलिए कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो लोकल हो चाहे इम्पोर्टेड हो, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करके ही हम फील्ड में यूज़ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।